नमस्कार, मैं हूं और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर, 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। इस वक्त मैं बात गली पहुंचने वाला हूं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। आज दिनांक 28/3/2020 को तीसरे दिन लॉकडाउन का बहराइच में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लॉकडाउन का लोगों द्वारा समर्थन मिला। शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवहार कर रहे हैं। जो लोग बाहर से पैदल अपने घर को जा रहे हैं उनसे पूछ जांच कर जो भी साधन निकल रहा है प्रशासन द्वारा रोक कर बैठा दिया जा रहा है। कैमरामैन लटन के साथ राजुद्दीन खान की स्पेशल रिपोर्ट। सब्जी वब्जी तो मुहैया कराई जा रही है, सब्जी मिलती है लेकिन लोग बंद करे रहते हैं। बहुत जबरदस्ती लेने जाओ यहाँ से वहाँ जाने नहीं दे रहे प्रशासन। नहीं तो उनसे आप लोग बताते नहीं सब्जी के लिए तो छोड़ दे रखा है कि आप जाके ले आ सकते हैं। वो दिखाइए कार्ड वगैरह तो जाने देंगे। किस चीज का कार्ड? जैसे दवा लेने जाना है, किसी चीज लेने जाना है तो किस चीज सब्जी का तो कोई कार्ड होता नहीं तो नहीं जाने देते ना, लौटा देते हैं भाई। डर के मारे प्रशासन के डर के मारे लोग नहीं निकलते हैं। अब यहाँ ये पड़े हैं, क्या खा लें हम लोग, तो इसलिए दिक्कत। खाने पीने में आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हो रही है हमारी। अच्छा, जो आने जाने वाले आने जाने तो ज्यादा लोग निकलते होंगे। हाँ, निकलते हैं लेकिन अब उनको पैदल चले जाते हैं। हमारा जब संचालन चलता नहीं तो किससे चले? प्रशासन द्वारा उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा है? प्रशासन द्वारा नहीं परेशानी होती है लेकिन कहीं कहीं डांट देते हैं प्रशासन लोग, लेकिन उतना नहीं परेशानी। आपको फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है क्या बताइए? नहीं, हमारा तो नुकसान हो रहा है भाई। हम संचालन हमारा चलता तो संचालन तो सभी संचालन बंद है, जैसे कि रेल है, प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें हैं, घर के भी वाहन हैं, सारे संचालन बंद हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिससे पूछो वो कहते हैं हम लखनऊ से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो वो तो भाई दिक्कत है ही है। तकलीफ तो क्यों नहीं, वो तकलीफ तो होती है। जो लखनऊ से चला वो कितने घंटे में यहाँ पैदल पहुँचेगा, उसको खाना पीना कहीं नहीं मिलेगा, तो दिक्कत तो उसके लिए भी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इसको लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही बताया जाता कि यहाँ फला तारीख से लॉकडाउन हो जाएगा, जो जो जहाँ के व्यक्ति हैं वो अपने अपने घर वापस चले जाएं। नहीं, आप जैसे संचालन बंद होगा कि किसे आएंगे, जो वहाँ पड़े हैं बाहर वो कैसे आएंगे अपने घर? तो उनके लिए कोई संचालन वगैरह चले तो उससे आए। नाम बताया? अच्छा, मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव, शासन प्रशासन से आप लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं क्या है कि यही उम्मीद कर रहे हैं कि कब चलेगा, तो इसी के इंतजार में बैठे हुए हम लोग भी। घर नहीं पहुंच पाए हैं। परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत है खाने पीने की, जब कोई दुकान नहीं। खाने पीने वाली बात जो आप बता रहे हैं, खाने पीने के लिए तो जैसे सब्जी है, सब्जी के लिए छूट दिया गया हुआ है। सब्जी आप जाके ला सकते हैं, बना खा सकते हैं। अब यहाँ से वहाँ तक जाने नहीं देते हैं, आओ तो प्रशासन वापस कर देता है। नहीं, तो प्रशासन से आप बताइए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।